यो राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ 17 जनवरी को जो पेपर वन हुआ था उसकी एनालिसिस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पर उसके पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की एग्ज़ाम एनालिसिस और सीटेट से जुड़ी तमाम अपडेट्स और न्यू जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से पेपर आया। तो आज का जो ओवरऑल पेपर था वो पेपर आप मॉडरेट, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो पेपर में होते ही हैं कि जो कि सबको ना आए, ठीक, लेकिन फिर भी कुछ हद तक पेपर का जो अब लेवल है वो सही आ रहा है। तो सीडीपी से जो पोर्शन से आया वो वाइगोस्की की थ्योरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उससे आया है, स्कैप फोल्डिंग। तो स्कैप फोल्डिंग आपने वाइगोस्की की थ्योरी ज़रूर पढ़ी होगी, जिसको हम पाड़ कहते हैं, जो कि क्या है, एक प्रक्रिया है, मदद जो हम देते हैं, हेल्प जो किसके द्वारा दी जाती है, MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दी जाती है। प्याजे से क्वेश्चन आया था, एज यूजुअल प्याजे की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्याजे, वाइगोस्की, चॉम्स्की की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले प्लेलिस्ट से जाकर, राजर्षि क्लासेस के प्लेलिस्ट से जाकर देखें, उसमें आप कई सारे वीडियोस कराए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जेंडर का टॉपिक भी मैंने कंप्लीट किया है। जेंडर क्या है, तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, वहीं सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। इसके साथ ही जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस, इन तमाम टॉपिक्स को आप एग्ज़ाम से पहले पढ़कर ज़रूर जाएं। NCF 2005, तो NCF 2005 से भी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जितने लोगों ने नहीं किया है अभी तक वो पहले NCF को जाकर के अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप मानिए तो NCF एक तरीके से इस पूरे पेपर का, आपके दो टॉपिक, एक NCF एक NPE, दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि पूरे इस सीटेट के पेपर का आप कह सकते हैं एक प्रोफार्मा है, आउटलाइन है, क्योंकि विदाउट NCF आप पेडागोजी को बेटर नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि NCF है क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके क्यों ये लाया गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NPE, तो हमें अब NPE 2020 जो लाया गया उसकी क्या ज़रूरत है। जब आप इन चीज़ों को जानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ और डिटेल में समझ में आएगी। तो अगर NCF की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर देखिए, NCF 2005 बाय राजर्षि क्लासेस। कोहलबर्ग की थियरी से क्वेश्चन आया था, कोहलबर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें सेग्रीगेट नहीं करना है, बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए हमको बच्चे को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, नैतिक विकास। वही कोहलबर्ग का क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, मोरालिटी क्या कहती है, 3 levels and 6 stages में जो इनका है। नेक्स्ट इज योर सोशलाइजेशन, सामाजिक करण क्या है, परिवार की क्या भूमिका है, इसमें पड़ोसी, मास मीडिया, ये लोग किसमें आएंगे, तमाम टॉपिक मैंने अपने CDP वाले जो पोर्शन, जो मैराथन सीरीज के, उसमें कवर की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहां तक देखिए, और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट आते हैं EVS। EVS का पोर्शन ही डिसाइड कर रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन EVS में ऐसे आए थे जो नए टॉपिक से रिलेटेड हैं, कि जो कि आपका कहा जा रहा है कि जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर आप उन नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर अपनी कमांड करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर EVS न्यू टॉपिक रिलेटेड ऑल कॉन्सेप्ट स्टेट वाइज मैंने कराया है, उसकी एक वीडियोज़ आपको अभी मिल जाएगी, एक अभी मैं अपलोड करूँ, तो वहां से आप इन सभी चीजों को, EVS को अगर आप सच में पढ़ना चाहते हैं स्टेट वाइज EVS का, कि 28 स्टेट्स और 8 UT में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसकी लोक नृत्य कैसा है एक जगह, तो वहां पे आप 3 parts में वो वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है, आधे आधे घंटे की होगी, लास्ट वाला थोड़ा कम होगा, तो वहां से आप उसको डिटेल में पढ़कर जाएं। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में पेपर है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक। उत्तराखंड, सबसे पहले उत्तराखंड से आया है, मैंने वहाँ बताया है उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून स्टेट वाइज बताया है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा था जो कुछ इस तरह था कि दिल्ली की पोजीशन क्या है, दिल्ली की पोजीशन, जैसे दिल्ली है हमारा और उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, तो उससे उसकी दिशा आपसे पूछी थी। तो मैंने आपको इसकी सबसे आसान तरीका बताया था कि दिल्ली, आज के मैप की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए, क्योंकि पहले आपको रिलेटिव पोजीशन आपके माइंड में होनी चाहिए वो चीज़ कहाँ है। तो यहाँ कहीं दिल्ली है, उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तराखंड कहाँ पे है, दिल्ली आपका इधर, उत्तराखंड कहीं यहाँ पे पड़ेगा। अब इसकी आपसे पोजीशन पूछे तो मैंने आपको बताया है कि बस आप इसको ओरिजिन मानिए और यहाँ से डायरेक्शन देखिए, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, डायरेक्शन क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट हो गई,
बस हमारा आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से मैंने इजी ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताया जिससे आपका आंसर टू द पॉइंट एट अ रैंडम तुरंत आ जाएगा। तो ये मैप वाली क्लास में मैंने आपको बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखें ज़रूर। तो उत्तराखंड की कैपिटल लद्दाख से क्वेश्चन आया था, लद्दाख जो यूटी है आपका, वहाँ पे जैसे घर कैसे हैं पहली चीज़ ये, श्रीनगर में कैसा है, हाउस बोट्स जो भी हैं आपका, डल झील में जो भी है वो सारे, उसके बाद चांगपा जो यहाँ की जनजाति है, चांगथंग जो वहाँ के ट्राइब जो रहते हैं और चांगपा जो उसके ट्राइब्स हैं, चांगथंग जगह का नाम है वहाँ की और चांगपा जो लोग रहते हैं तकरीबन 5000 लोग वहाँ रहते हैं। मैंने EVS वाला जो आपका मैराथन सेशन है उसमें कराया हुआ है, आपको मैंने बताया है। इससे जो क्वेश्चन आया था, दो आया था कि जैसे मैंने आपको बताया था पश्मीना शॉल की जो कहानी है वो इन्हीं लोगों की कहानी थी, जो कि वो पश्मीना शॉल जो आपके 6 स्वेटर के बराबर एक सिंगल पश्मीना शॉल है, जिसको बनाने में 250 घंटे 250 घंटे लगते हैं एक प्लेन शॉल को बनाने में। उसके साथ ही इन लोगों की लाइफ बहुत ही कठिन होती है और इनके यहाँ एनिमल्स को विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो ग्रेट इंपॉर्टेंस के उस पर होते हैं, कि मतलब ये है कि जिसके पास जितने जानवर वो उतना अमीर, और ये लोग स्पेशल मार्क भी लगाते हैं खुद के रहने के लिए। जो ये लोग टेंट का यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं रेबो, और जानवरों को रखने के लिए जो टेंट का यूज करते हैं उसको करते हैं लेखा। ये मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी बताया है जो मैंने मैराथन किया हुआ है। तो यही क्वेश्चन आज आपसे पूछा था कि लेखा क्या है, एनिमल को रखने के लिए उन्होंने किसका यूज किया। तो आप ला का यूज कर सकते हैं, एक याद रखिए, दूसरा आपको रेबो ऐसे ही याद हो जाएगा, रेबो टेंट है उनका। तो ला क्या है, एल से क्या है आपका लेखा, एल से क्या है लेखा, ए से क्या है एनिमल। आने वाले शिफ्ट में जिन भी लर्नर्स का पेपर है तो आप एकदम टू द पॉइंट, गलती के कोई चांस ना रहे, आप इतना अच्छे से पढ़ कर जाइए चीज़ों को। लेखा क्या है एनिमल के लिए, तो लास्ट से आप इसको याद कर सकते हैं, लेखा इज इक्वल टू एनिमल। ओके, बावली या बावड़ी जो है ये पूछा है कि ये क्या है, तो ये वाटर को कंजर्व करने की एक तकनीक होती है जो यूज़ की जाती है। इसी के साथ अलबरूनी ने वाटर के ऊपर कुछ लिखा था, चबूतरा बनाते हैं ये, तो अलबरूनी कहाँ से था, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कहाँ से था, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो जान लीजिए उज्बेकिस्तान से था। ठीक, यूटी से क्वेश्चन आए हैं, मैंने जो आज ईवीएस का स्टेप न्यू क्वेश्चंस बनाया है उसमें मैंने यूटी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है, जो 8 यूटी है हमारी कहाँ कहाँ है, तो उसको वीडियो को आप देखिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैप से रिलेटेड आपकी कोई भी, अगर आप मैप को नहीं भी जानते हैं तो आप उसको देखिए, निश्चित ही आपको उससे बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला, आप सच में थैंक्स कहेंगे। लैंग्वेज से रिलेटेड जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस और 22 लैंग्वेजेस जो हमारे 8 स्केड्यूल में है, तो 6 क्लासिकल आपको पता है, तमिल तेलुगू ये सब पता है, मलयालम कन्नड़ संस्कृत, उसके अलावा जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं को भी मैंने याद कराया है विद अ वेरी इंटरेस्टिंग ईजी ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे उसको भी आप देखिए। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया दैट मीन्स कैलकुलेशन, जब बच्चा क्या है कैलकुलेशन करने में उसको दिक्कत आती है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है उसको प्रॉब्लम होती है, इवेपोरेशन, फोटोसिंथेसिस, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जरूर जाकर देखें। क्वेश्चन देखिए इन टॉपिक से बार बार आ रहा है, तो देखिए आपको कोई चीज़ जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आपको कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, बस ये है कि लास्ट टाइम पर किन चीजों को ज्यादा पढ़ के जाएं। तो पहले तो आप एकदम शांत होइए और जितने भी टॉपिक्स है जिसपे आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो आप उनको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो न्यू टॉपिक्स है जो लास्ट टाइम पे जो आपको उतने अच्छे से याद नहीं है, तो न्यू टॉपिक्स को आप एक नजर में देखिए, उसको रिपीटेशन करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो तथ्य आपको पहले से याद है उस क्वेश्चन में चांस है कि आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, बट जो अभी रिसेंट में जो क्वेश्चन के पैटर्न चेंज हो रहे हैं उनको भी एक बार जरूर देख के जाइए। मैथ सेक्शन कहा जा रहा है बहुत ही इजी आ रहा है, मैथ में आपके पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पेरीमीटर रेक्टेंगल, ये चार चीज़ तो आप पहले अच्छे से याद करके जाइए, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, 4 साइड होते हैं कि स्क्वायर के, तो 4 × साइड एरिया कह देगा, तो साइड × साइड या साइड का स्क्वायर। इस तरह रेक्टेंगल का अगर आपसे एरिया कह दिया तो क्या हो जाएगा, लेंथ × ब्रेथ, अगर पेरीमीटर कह दिया तो 2 × L+B। पैटर्न से क्वेश्चन आए थे एज इजी, ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि 1 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी है, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, स्थानीय मान बताना था आपको कि प्लेस वैल्यू, इस पर भी मैंने बताया है। फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आए थे, सम कोड, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको कुछ बेसिक है। मैथ का पोर्शन इजी, अगर आप थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो मैथ को आप अच्छे से करके आएंगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो स्किल्स जो आपके हैं LSRW, ये चारों स्किल्स,
मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता हमारे लिए एक एसेट है, एक रिसोर्स है, एक स्ट्रैटेजी है जिससे हम बच्चे के अंदर उसकी जो क्षमताओं हैं उसको और अच्छे से विकास कर सकते हैं। स्टीफन क्रैशन की थियोरी आई थी हाइपोथेसिस जो 5 इन्होंने दिया है ना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए, वो थियोरी इनकी आई हुई है स्टीफन क्रैशन की। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है लर्निंग एक्विजिशन। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था वो क्या है कि इनपुट वाला जो थर्ड आपका पॉइंट था, इनपुट वाला जिसमें कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की गई है, जो कि क्या है कि बच्चे का जितना लेवल है उससे हमको क्या कर देना है +1। ये क्वेश्चन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको याद करने का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया है, MN और बीच में I, MNI, ये मैंने आपको याद करने के ट्रिक बताई है। अगर आपने स्टीफन क्रैशन की थियोरी नहीं देखी है तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें। डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन आया था, मेथड्स ऑफ टीचिंग भी मैंने कवर किया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट के साथ, आप उसको भी देखिए। इंडक्टिव मेथड भी क्वेश्चन यहाँ पे आया था एप्लीकेशन बेस्ड। हिंदी की बात करें तो जिनका फर्स्ट पेपर हिंदी रहा था उनके भी ये अलंकार पूछा था। उत्पादक कौशल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, प्रोडक्टिव स्किल्स और एक्सप्रेसिव स्किल्स। उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं उसको आप देखिए, बहुभाषिक, मल्टीलिंगुअलिज्म, इसमें भी संधि, अर्जन, अधिगम। तो अर्जन और अधिगम से जो क्वेश्चन आए थे कि अर्जन क्या है, जो हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कर लेते हैं वो अर्जन है, जबकि अगर आप लर्निंग की बात, अधिगम की बात करेंगे तो जो आप सक्रिय रूप से करते हैं कोशिश के साथ, एफर्ट के साथ, रूल्स के साथ। NEP 2020 से भी क्वेश्चन आया था एज यूजुअल, जो आपका निपुण भारत है, परख है, निष्ठा है, इन सारे के फुल फॉर्म्स को एकदम अच्छे से करिए और इनके बीच के कुछ जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, 360 डिग्री जो असेसमेंट है, ये सारी चीज़ें। ये सारा तो आपका पेपर का एनालिसिस हो गया, इसके साथ कुछ पॉइंट्स जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो बिल्कुल भी हड़बड़ाएँ नहीं, बहुत ही पेपर सबका बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना है, पहला ये कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कि हम तो टैग वर्ड पढ़ के आए, हम तो रट के आए हैं, अब तो जैसे ही दिखा तुरंत लगा दी, ये गलती मत करिएगा। शांत रह के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है और किस संदर्भ में कह रहा है, प्राइमरी में कह रहा है कि बच्चों के लिए कह रहा है कि क्लासरूम में कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। और थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ईजी हलवा क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस और ब्रेन का यूज़ करिए एग्जाम के दौरान, क्योंकि वहाँ क्या है ना, जब हम सामने बैठते हैं तो उस टाइम पे ना हमारा दिमाग धीरे धीरे क्या होता है कि अरे यार ये आ रहा है कि नहीं, तो हम इतने नर्वस हो जाते हैं कि जिससे क्या होता है हमें सोचने की क्षमता धीरे धीरे डाउन होने लगती है। तो नर्वस मत होइए, एकदम काम, एकदम स्ट्रेस फ्री होकर जाइए कि ठीक है, जैसे आप नॉर्मल दिनों में पढ़ाई करते हैं, जैसे नॉर्मल हैं घर पे हैं, वैसे ही आप वहाँ पे दे रहे हैं। तो लर्नर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में बेल आइकन को दबा प्रेस कर दें। तो अगर आपको ये सीटेट से जुड़ी जो एग्ज़ाम एनालिसिस है अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।